अंदर आ जाओ। इस देश में दलित ओबीसी पिछड़ा ये मुसलमान आदिवासी ये नहीं पढ़ा सकते। पहले इनको पढ़ने का हक नहीं था मनुस्मृति में, तो पढ़ाने का हक छीन लिया गया। अभी नहीं लगता ये स्वर्ण जाति के लोग अपर कास्ट के लोग ही पढ़ रहे हैं। अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाए। हम लोग रोड पे इसलिए बता रहे हैं कि अगर वापिस दो के बाद इस प्रकार से आएगी तो फैली सही जी, बहुत जल्द दो फैली, लेकिन अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे जी। बाबा साहब के बच्चे गुलाम नहीं है जी, स्वतंत्र है जी। और अगर कोई राजनीतिक दल भी साथ नहीं आए तो ना आए जी। हम युवा कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अपने अधिकार को सुरक्षा करेंगे, संविधान को जिंदा रखेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है जिंदा वहां संविधान क्या हो रही है पिछले दरवाजे से जी। तो बाबा के बच्चे करते रहो, हम बाबा साहब के फरमान से दो हजार 2019 के इलेक्शन भी नजदीक है और बहुत बड़ा चेहरा है भीम आर्मी का, आपके ऊपर बहुत सारी रहती है, तो इस मूवमेंट को विचारधारा को कहां और किस तरीके से मोड़ने का पूरा प्रयास? मेरा पूरा प्रयास है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जी, क्योंकि वो रोज रोज जो है ऐसे अमेंडमेंट कर रही है जिससे संविधान को, उसके लिए पूरे देश में भाजपा को हराने के लिए निकलूंगा और प्रयास करूंगा। भाजपा संसद में दल है और जो दल है जो संविधान उनको साथ दी जाएगी जिससे कि भाजपा सरकार जो है बीजेपी की है, उसके बावजूद भी राम मंदिर को नहीं बन रहे। राम मंदिर एजेंडा ही नहीं है ना, बनाना नहीं है राम मंदिर। राम मंदिर के नाम पर रोटियां सेकनी है जी, कल लोग मरेंगे इनकी राजनीति सीधी होगी जी। तो राम मंदिर अगर इनका एजेंडा ही होता तो ये कभी का बन चुका होता जी। स्टेट में भी सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार है जी। और बार बार ये रोज चिल्लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था केरल वाले मामले में जी, मंदिर वाला मामला, उसका पालन दोनों ने किया नहीं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश इंतजार कर रहे हैं जी। तो मुझे लोग इन दोनों में साफ है जी, भारत को ठगने आए और ठग के यहाँ से निकल रहे हैं, तो इनको ठग के निकल लेने का ऐसा होगा जब बहुजन सरकार आएगी तो ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग जेल में होंगे। बात बताइए, आज इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जाते हैं और वहाँ पे एक तरफ गायें बहुत ज्यादा सुरक्षित है, बेटियाँ सुरक्षित है, गाय इनकी माँ है ना इसलिए सुरक्षित है जी, बेटी हमारी बहन इसलिए सुरक्षित नहीं है जी। सवाल ये क्या इंसान की कीमत गाय कीमत से कम होगी है? तो इनके लिए कम होगी, हमारे लिए कम नहीं होगी। हमारे हमारे हमारा उद्देश्य है कि इस सरकार को इनकी जो खामियां है जब तक सामने उजागर की जाए, जिससे ये इंसानों को मार के राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ना कोई विकास का मुद्दा है, ना किसी दलित पिछड़े आदिवासी ओबीसी मुसलमान किसी के लिए कोई ऐसा मुद्दा जिसमें जो नारा है सबका साथ सबका विकास। और ये तो इतने नीच लोग हैं कि आप देखिए ये शबरीमाला में तो महिलाओं को घुसने नहीं देते जी। और ये लव जिहाद की बात करते हैं तो ये एक तरह से दो मुहिम की बात तो भरोसा करना, एक बार जनता ने भरोसा करके इनको सत्ता दी थी, अब जनता ही नहीं फाड़ दे। जय भीम, जय भीम, शुक्रिया।